नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जहां एक तरफ शासन द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता देने हेतु विद्यालय के कायाकल्प कराए जाने के लिए पानी की तरह पैसा शासन खर्च कर रही थी, परंतु वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। जी हां, जिसकी जीता जागता उदाहरण जनपद बगराइच के विकास खंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत रहीम नगर के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय रहीम नगर दुबई का है, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल एवं बच्चों के पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ शासन द्वारा विद्यालय में विद्युतीकरण कराए गए थे, लेकिन विद्यालय तक विद्युत पोल तो लगा गए, परंतु विद्युत सप्लाई के लिए विद्युत तार की लाइन नहीं खींची गई। इस संबंध में जब प्रधानाचार्य से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय का कायाकल्प होना था और बाउंड्री वॉल आप प्रस्तुत पिछले वर्ष ही दे दिया जा चुका है, परंतु विद्यालय व्यवस्था की कार्य मात्र कागजों में ही सिमट कर रह गई है। जमीनी स्तर पर अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो देखने वाली बात यही है कि क्या उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन अधिकारी इसी तरह से चुस्त रहेंगे तो बच्चों की भविष्य के साथ क्या होगा। जिन्हें स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, तो वो बच्चे क्या विकास करेंगे, बच्चे के भविष्य में किस तरह का शिक्षा का माहौल होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं विद्याराम यादव, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय रहीम नगर। यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है और एक पूर्व माध्यमिक, दोनों संविलयन हो गया। यहाँ समस्या यह है कि आज तक अभी बाउंड्री वॉल नहीं बना है और विद्यालय में बरसात के महीने में पानी ज़्यादा, जल भराव ज़्यादा हो जाता है, जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और पिछले साल, इसी साल भी हैंडपम्प जो रिपोर्ट दोबारा कराया गया था, परंतु उसका पानी जो है वो शुद्ध नहीं आ रहा है। रही बिजली की बात, बिजली में वायरिंग तो हो गया है, लेकिन अभी विद्यालय तक खंभे भी गड़े हैं, बहुत पहले गड़ चुके थे, लेकिन अभी केबल नहीं खींची गई है। मैंने प्राथमिक विद्यालय में केबल अपने पास से खिंचवा दिया था, फिलहाल अभी वही विद्यालय के बाउंड्री के बाल में कोई प्रस्ताव दिया। हाँ, विद्यालय का बाउंड्री बाल का प्रस्ताव पिछले साल ही दे दिया गया था, जिसमें कायाकल्प भी था और बाउंड्री का मतलब पूरा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं दी। यह था बगराई से राजेश चौहान की रिपोर्ट। और इसी तरह के खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।